Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about subtraction of algebraic expressions by row method and column method. Now today, we will start our next topic, that is multiplication of algebraic expression. जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है? That is multiplying a monomial by a monomial. So, multiplying a monomial by a monomial means, monomial का क्या मतलब होता है? ऐसे expression जिसमें one term हो, उसे हम monomial बोलते हैं. Means, आज हम क्या पढ़ेंगे? Multiplication पढ़ेंगे one term का one term से. So, चलिए हम आपको example के through इसे बताते हैं. So, example is, find the product of first x, 3y. तो x और 3y का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 3y. ठीक है. सो बहुत इजी है हमें मल्टीप्लाई करना इसको. सो सबसे पहले क्या करेंगे, x का कोफिशियंट है 1. ठीक है. सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या हो जाएगा, 3. सो नंबर का मल्टीप्लीकेशन नंबर से, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल से, तो कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई. तो आंसर हो गया 3xy. सेकेंड है 5x, -3y दैट इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट -3y. ठीक है, क्योंकि दो साइन साथ में आ रही है मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन की, तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे. तो 5 मल्टीप्लाई बाई -3 तो आ गया -15. x मल्टीप्लाई बाई वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई. ठीक है. सो आंसर हो गया -15xy. थर्ड है -7x, -4x² दैट इज इक्वल टू -7x, -4x² दैट इज इक्वल टू -7 × 4 = 28. नाउ x मल्टीप्लाई बाई x² तो आपको पता है एक्सपोनेंट का रूल है कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई के केस में, पावर ऐड हो जाती है. लाइक अगर है x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x^3 तो क्या हो जाएगा आंसर, x^5 पावर ऐड हो जाएगी. तो यहां हो जाएगा x^1 है और यहाँ x^2 है, तो आंसर हो जाएगा x^3. नेक्स्ट पार्ट इज -10x and -4xyz दैट इज इक्वल टू -10x ((-4xyz) इक्वल टू -10 × -4. 10 × 4 = 40, -, तो आ जाएगा आंसर 40. x × x तो हो जाएगा x² और yz, क्योंकि उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है. फिफ्थ इज 4xy (-5x²y²) (-6x³y³). तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. 4xy (-5x²y²) (-6x³y³) दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 × -5 तो हो जाएगा 4×5 = 20 और -20 × -6 तो -20 × -6 तो 26 × 120 (-), तो आ जाएगा 120. अब हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं. x × x² तो हो जाएगा x³ × x³ ((x^6) (y)² ((y³) (y³) 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 (y^6) तो ये हो गया आंसर. नेक्स्ट देखिए सिक्स पार्ट, 2ax, 3by, and 5cz तो जाएगा 2ax ((3by) / 5cz. सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2 × 3 = 6, 6×5 = 30. और देखिए सारे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं हर केस में, तो हो जाएगा (a, b, c, x, y, z). ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं.
नेगेटिव एम स्क्वायर एन मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर पी मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट नेगेटिव पी स्क्वायर एम इक्वल टू। सो देखिए नंबर तो है नहीं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। फिर है एम स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, एम से होगा, तो हो जाएगा एम क्यूब। एन का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, एन स्क्वायर से, तो एन क्यूब। पी का मल्टीप्लीकेशन पी स्क्वायर से होगा, तो पी क्यूब। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए, टू क्यू मल्टीप्लाई बाई फोर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एट क्यू क्यूब। ठीक है, सो टू फोर जा एट, एट एट जा सिक्सटी फोर, क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, क्यू क्यूब मल्टीप्लाई बाई क्यू क्यूब क्यू रेस टू दी पावर सिक्स। सो ऐसे ही हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो हियर गिवन फाइव क्वेश्चन, टू इज ऑन दिस पेज एंड अदर थ्री ऑन नेक्स्ट पेजेस। ठीक है, सो देखिए हम वन बाय वन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। ठीक है, सो ये सिंपल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया है उसी तरीके से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड इज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है पी क्यू, मीन्स पहला क्या है लेंथ है और सेकेंड क्या है ब्रेथ है, तो हमें रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करना है हर केस में। तो चलिए हम आपको फर्स्ट बताते हैं कि कैसे लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ एल इन टू बी। ठीक है, सो पहले केस में लेंथ क्या है पी, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना है क्यू, दैट इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, आपको बार बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के नीचे सब मल्टीप्लाई करके आपको बस लिखना है रिजल्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखिए हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहां फर्स्ट कॉलम में लिखा है पहला 2x और उधर फर्स्ट रो में लिखा है 2x, तो देखिए फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट से होगा तभी आंसर आया है 4x स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन सेकंड से करना है और उसका नीचे आंसर लिखना है। ठीक है, फिर फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन आप सिमिलर वे में थर्ड से करेंगे, उसके नीचे आंसर लिखेंगे। फिर देखिए सेकंड का मल्टीप्लीकेशन आप फर्स्ट से करेंगे और उसका आंसर उसके नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से आपको सबको कंप्लीट करना है। मेन काम क्या है कि आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो उसको करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे फोर पार्ट्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 5a 3a स्क्वायर 7a रेज टू द पावर 4, जिसमें फर्स्ट क्या होगा लेंथ होगा, सेकंड क्या है ब्रेथ होगा और थर्ड क्या होगा हाइट होगा। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मीन्स क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। सो चलिए एक बार देखिए मैं बता रही हूं इसको। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, सो इक्वल टू तो हो जाएगा 5a मल्टीप्लाई बाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7a रेज टू द पावर 4 इक्वल टू, सो हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर a रेज टू द पावर 3, a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा a रेज टू द पावर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सिर्फ आपको प्रोडक्ट करना है, तो जैसे नॉर्मल आप प्रोडक्ट करते हैं वैसे कर लीजिएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस चेक योर आंसर्स विच आर गिवन हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।